नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एम लेट लॉग 2 1/28। ठीक है, हमने इसको सॉल्व करना है। हम सपोज करते हैं कि लॉग 2 1/28 हमारे पास किसी अननोन की इक्वल है एक्स के, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो इसमें देखें यहाँ पे ए हमारे पास किसके इक्वल है 2, y किसकी इक्वल है 1/28 और जो x है वो x की इक्वल है। ठीक है, तो उस फार्मूला के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाता है, a की पावर x में हमारे पास 2 पावर x इक्वल्स टू y, तो y हमारे पास क्या है 1/128। अब यहाँ पे हमने 1/28 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया 2 पावर 7। ठीक है, अब ये देखें 2 पावर x यहाँ है तो हम इसको भी उठा के नोमिनेटर की जगह लेंगे, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव थी जब ऊपर गई तो इसकी पावर क्या हो गई नेगेटिव। अब दोनों साइड्स इक्वल हैं, दोनों साइड्स इक्वल तब भी हो सकती हैं जब उनकी बेस भी इक्वल हो और उनकी पावर भी इक्वल हो। आप बेस देखें तो दोनों इक्वल हैं, तो उससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो यही आता है कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो भी क्या हो जाएंगी इक्वल, x = 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, log(2x) = 5। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 2 है, y की वैल्यू x है और x की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो a की पावर x होती है तो यहाँ पे a की जगह 2 और x की जगह 5, इक्वल्स टू y होता है तो y की जगह x। ठीक है, 2 की पावर 5 = x, 2 की पावर 5 ली तो हमारे पास क्या आएगा 32 32 = x, x की वैल्यू। बाकी पार्ट्स इसके आप लोगों ने खुद कर लेने हैं।